हेलो गाइस, दिस इज उमर चौधरी। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हम आपकी डेली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक फिटनेस मॉडल हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ और साथ मुझे एनिमल्स का भी शौक है। सो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे और मेरे यूट्यूब पे आ रहे थे कि हम आपकी डेली लाइफ के बारे में देखना चाहते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो, आपकी डाइट क्या है, क्योंकि डाइट वाली बात है, एथलीट की डिफरेंट होती है, आपकी डाइट क्या है प्लस आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हो। तो गाइस, आज पहला दिन है, इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे डेली बेसिस पे, एक दो दिन छोड़ के कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आता रहेगा मेरी लाइफ के बारे में। और दिन स्टार्ट हुआ है, दिन मेरा कहाँ स्टार्ट होता है, फास्टिंग में कार्डियो से। मतलब मैं खाली पेट उठते साथ मैं वॉक पे जाता हूँ, मेरे दो काम इसमें हल होते हैं। पहला काम कि मेरा कार्डियो हो जाता है, दूसरा काम क्या है कि मैंने जो अपने एनिमल्स को टाइम देना है मैं उनसे ही मिल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। तो गाइस चलते हैं स्कूबी की तरफ, स्कूबी आप देखें मिले सबको मजा आएगा। बहुत रेयर है और बहुत खूबसूरत है, बहुत मजे की चीज़ है, इसको निकालते हैं मौके। एक से 1.5 किलोमीटर की वॉक करूंगा स्कूबी के साथ, मेरा कार्डियो भी हो जाएगा और इसकी वॉक हो जाएगी मॉर्निंग की, उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम आएगा। तो इधर देख रहे कितना जिंस है ये। ग्रेडेन एक बहुत खूबसूरत नस्ल है, बहुत ये बड़े बहुत होते हैं पर इनमें अक्ल कम होती है। स्कूबी डू जो हमने कार्टून देखे हैं सेम वो ब्रीड है, और इसको कहते हैं इन्हें कहते हैं जेंटल जायंट्स। इनको जो इनके बारे में मशहूर है, जो इनकी क्वालिटी है, एज अ जेंटल जायंट इनको लिया जाता है कि जायंट भी हैं और बहुत जेंटल हैं। और इनका क्या शौक होता है कि इन्होंने आपकी गोद में बैठना है। मेरे शेरों से ज़्यादा इसमें ताकत है, शेरों को इतने बड़ों को वॉक नहीं करवाते हैं। ये स्कूबी का खाना देसी पराठे खाता है रोज़े, और लोग कहते हैं मम्मी रेडी डाइट वो फीड वगैरह, पर मैं इसको चिकन के साथ, चिकन के अंदर यखनी है, कुछ एग्स हैं और साथ उसके देसी पराठे हैं, ये खा के इसी वजह से इतना टचकरा सा खींचता है। आगे इधर खाना, बहुत देर लगी है, इसके बाद तो सुकून से सो जाएगी। अभी तो उठा ना, कैसे सो सकता, सोएगा दोबारा। इधर आ जा, ऐसी गंदी आदत है सारा कुछ निकाल के फेंक देता है, इस सब इसने बाहर फेंका हुआ है, अंदर नहीं रहता। देसी पराठे खा और खींच मुझे।
वी बहुत बड़ा होगा वी इसको चलो खाओ खा के सो जाओ तुम सो जाए देरी ये बड़ा होके क्या बनेगा ये बड़ा होके स्कूबी डू अभी खाली स्कूबी स्कूबी डू बन जाएगा चल चल खा ले खा ले मेरे नाश्ते की बारी नहीं ही इज ऑफरिंग यू अच्छा नहीं ये तू खा सो गाइस फर्स्ट डे व्लॉग आज हमने स्टार्ट की है हमने मैंने जाके अपना कार्डियो की है स्कूबी के साथ मैं गया हूँ मैंने वॉक की है स्कूबी को खिलाया है स्कूबी को पराठे खिलाए हैं अब मेरा नाश्ते का टाइम आ गया है इसके बाद मैंने जाना है अपने बिजनेस पे काम तो बहुत ज़्यादा है पर शायद आज ना दिखा सकूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह सब कुछ आपको साथ साथ मैं दिखाता रहूँगा नाश्ते की तरफ चलते हैं ये है 6 एग वाइट्स इसके साथ मेरा ये जूसर के अंदर जूसर मशीन जो है इसके अंदर मेरा योगर्ट है योगर्ट के अंदर मैंने एक बनाना डाला है और उसके साथ मेरा ऑटमील है 30 ग्राम ये मेरा हो गया नाश्ता तो गाइस चलते हैं नाश्ता करता हूँ मैं